लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। 23 अगस्त का दिन दुनिया के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। चांद पर तिरंगा लहराने के बाद अब इसरो की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, जरा उसे जान लीजिए। अब इसरो सूर्य और शुक्र पर जाने की तैयारी कर रहा है। अगले कुछ सालों में भारत शुक्र पर अपना झंडा फहराने की तैयारी में है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो के रडार पर सूर्य है। पृथ्वी से 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य, और इसरो पर अब सूर्य की मिस्ट्री को डिकोड करने में जुट गया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला स्पेस प्रोग्राम आदित्य L1 जल्द लॉन्च होने वाला है। 14 अगस्त को इसरो ने इस मिशन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की। भारत सिर्फ चांद तक ही अपने कदम नहीं समेटेगा, बल्कि उसका अगला टारगेट सूर्य है। मंगल पर मिशन 1 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद इसरो अगले साल मंगलयान 2 को लॉन्च कर सकता है। अपनी क्षमता और कामयाबी का लोहा मनवाने के बाद इसरो अब अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर एक नया उपग्रह बनाएंगे, जिसका नाम होगा निसार। ये दुनिया की पहली रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगी। इस सैटेलाइट से पृथ्वी की एकदम क्लियर पिक्चर मिलेगी और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी बेहतर जानकारी भी मिल सकेगी। अंतरिक्ष में भारत की उड़ान को नई ऊंचाई देने के लिए इसरो मिशन गगनयान पर काम कर रहा है। गगनयान के तहत इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी है। शुक्र भी इसरो के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। आने वाले सालों में इसरो शुक्रयान 1 को भेजने की तैयारी कर सकता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन को विकसित करने वाले मिशन पर इसरो की नजर है। इसरो की लिस्ट में ल्यूपिक्स मिशन भी है, जिस पर जापान के साथ मिलकर तैयारी करने वाला है। Oh, oh, oh.